tan inverse 1 upon 3 plus tan inverse 3 upon 4 minus tan inverse x upon 3 equals to 0, then x equals to what? Option A. ऑप्शन ए देखिए, 7/3, 3, 11/3, डी 13/3. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई अपॉन जेड equals to alpha, then 4x square minus 4xy into cos alpha minus y square equals to, option A, minus xyz, option B, minus 4 sin square alpha, 4 sin square alpha, next option, 4 and 2 sin square alpha, 2 sin square alpha. Her question dekh lijiye, question number 3. Question 3 is tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z is equals to pi. Then x plus y plus z is equals to, इधर x लिखो x, then x plus y plus z is equals to what? Option A, minus x y z, इधर options, plus x y z, plus x y z, option C, 1/xyz, option D, 0, x है ये x, कल pi था ये pi, आज ही x है. Tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z is x. Then what is the value of x plus y plus z? Question number 4. Question number 4 is value of tangent of cos inverse minus 2/7 minus 5/2. What is the value of this? Option A. अब लोग ट्राई कीजिए, देखो आप किस कितने लोग प्रयास कर सकते हैं. 2/3√5, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/√5, ऑप्शन डी 4/√5. सब क्वेश्चन आपके लिए नए हैं. क्वेश्चन 5, tan in sin inverse 3/x, ये सिंपल है, प्लस sin inverse 4/x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. आपको पता लगेगा x का वैल्यू क्या है, ये हम ऑप्शन नहीं दे रहे लास्ट पर. तो
चलो पहले का ऑप्शन किसी ने फाइंड किया है, पहला प्रॉब्लम। हेलो, पहला प्रॉब्लम क्या है? टैन इनवर्स 1/3 प्लस टैन इनवर्स 3/4 माइनस टैन इनवर्स एक्स बाय 3 जीरो, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स। हेलो, दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर? हेलो, यस सर। हेलो, पहली प्रॉब्लम है 1/3, 3/4, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन जीरो है, मतलब ये दोनों का एडिशन टैन इनवर्स एक्स बाय थ्री है। तो मैं ये इसका एडिशन निकालता हूँ, पहले दोनों का एडिशन निकालो, है ना। सब्ट्रैक्शन जीरो है मतलब ये जो दोनों है इनका एडिशन निकालो, तो इसका एडिशन हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 1/3 + 3/4 सर। ऑप्शन डी है, वन माइनस 1/3 × 3/4 ये हो जाता है 1/4। न्यूमरेटर देखिए, ये वैल्यू मैं पहले निकल रहा हूँ, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन जीरो है मतलब दोनों इक्वल, ये दोनों का एडिशन करके ये वैल्यू के साथ इक्वल आएगा 1/3 + 3/4। तो ये वैल्यू अगर इसके साथ है तो वैल्यू जीरो आता ना, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है जीरो आने का। सो ये वैल्यू जो है कंप्लीट, ये तो एक्स बाय थ्री आए, तो डिनोमिनेटर थ्री और न्यूमरेटर जो आएगा वो आपका आंसर। देखो इसको कैलकुलेट करो, 4 + 9 13/12 अपॉन ये 12 इधर आया, 12 - 3 9/12, तो ये आ रहा है 13/9, मतलब एक्स अपॉन 3 = 13/9। तो एक्स का वैल्यू आया 13/9 × 3 13/3, दिस इज योर ऑप्शन डी। समझे क्या आप लोग? इस तरह से उसे सॉल्व करो, सिंपल से, वेरी सिंपल वे ऑफ सॉल्विंग दिस। इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें आने चाहिए पहले, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ जाता है, एडवांस लेवल में तो अलग रहता है क्वेश्चन। So this is the first question over. Now let me have the second question. Second है थोड़ा सा अलग। पहले क्वेश्चन में दोनों का tan inverse x plus tan inverse y से करो, और जो वैल्यू है दोनों इक्वल, इसलिए तो जीरो आ रहा है, मैथमेटिकली आपका एक इक्वेट करके मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? क्वेश्चन नंबर टू, cos inverse x minus cos inverse cos x is alpha, और आपका रिजल्ट cos alpha दिखा रहा है, मतलब हमें cosine लेना है दो साइड का। तो मेरे लिए ये cosine, cos inverse x minus cos inverse y upon z equals to cos alpha। चलो ये cos alpha हो गया राइट साइड। अब धीरे धीरे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करना है आगे। हमें ये कॉस है, तो मैं इसे हम एंगल ए कहते हैं और इसे हम बी कहते हैं, तो मेरा ये हो जाएगा, करो ये अभी करो, इससे आपको मिल जाएगा आंसर। करो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो, तो cos a जो है वो आपको x मिलेगा, इससे आपका sin a मिलेगा रूट ऑफ 1 - x पर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। cos b जो है y अपॉन z, तो आपका sin b मिलेगा रूट ऑफ 1 - y² / z पर। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b इज cos अल्फा, ये वैल्यू है इसकी। cos a क्या है x, cos b क्या है y upon z, ध्यान दीजिए x into y upon z प्लस sin a क्या है रूट ऑफ 1 - x पर, sin b क्या है
रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज कॉस अल्फा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड ये राइट साइड में लेके जाके स्क्वायर करेंगे। देख लीजिए, हम डायरेक्ट दो स्टेप ले रहे हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ये राइट साइड गया, कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई अपॉन जेड इसका स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट चला गया। अब निकाल दो, वैल्यू निकाल लीजिए, अभी करो मल्टीप्लीकेशन, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, कीजिए आपको मिल जाएगा आंसर, जो है वो देख लो क्या है मालूम नहीं अभी, इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड इट। आपको मिलेगा ये कॉस स्क्वायर अल्फा, और कुछ करना है फिर आप आगे, ये आपके लिए होमवर्क है, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे, जगह मिलेगी हमें। चलो पांच नंबर, पांच नंबर में साइन इनवर्स थ्री बाय एक्स प्लस साइन इनवर्स फोर बाय एक्स पाई बाय टू, ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स थ्री बाय एक्स प्लस साइन इनवर्स फोर बाय एक्स नहीं चाहिए, चाहिए कॉस इनवर्स फोर बाय एक्स चाहिए। चलो कोई बात नहीं, तो ये साइन इनवर्स थ्री बाय एक्स है, ध्यान दीजिए, ये तो ये जो साइन इनवर्स है इसको मैं कॉस इनवर्स थ्री बाय एक्स को हम लिखते हैं कॉस इनवर्स ऑफ। हेलो, ये वैल्यू कब हो सकता है, अगर मेरे पास, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स थ्री बाय एक्स प्लस साइन इनवर्स थ्री बाय एक्स, इसका वैल्यू पाई बाय टू होता है, समझे आप लोग। हेलो, सीधा हिसाब है, ये प्रॉब्लम में आपको जब थ्री फोर आएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इधर अगर पांच लिखते हैं इधर पांच लिखते हैं, ये गेस करके ले निकालो तो भी आंसर मिलेगा। दूसरा मेथड, ये साइन इनवर्स है, ये साइन इसको कॉस में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स थ्री बाय फोर एक्स ऐसे, और ये जो साइन इनवर्स फोर बाय एक्स है उसको हम कॉस इनवर्स में करेंगे तो वो कॉस इनवर्स में क्या होगा, कॉस इनवर्स में ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनस है, x = 5, हां 5 है x की वैल्यू, 5 ही आती, 5 अगर आई ना ये 3 / 5 आएगा, ये 4 / 5 आएगा, साइन इनवर्स को कॉस में कन्वर्ट किया तो वो 3 / 5 हो जाता है, यही लॉजिक है इस प्रॉब्लम। कॉस इनवर्स 3 / x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ ये अपोजिट साइड आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स इज इक्वल, तो ये बारा रूट पर माइनस 16 इज 3, समझे आप लोग, सीधा हिसाब है, ये दोनों वैल्यू सेम चाहिए, मतलब 3 बाय एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाय एक्स, इससे आपका एक्स का वैल्यू 5 आता है, तो 5 इज योर आंसर, 5 इज योर आंसर। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4, 3 थोड़ा सा अलग है, 3 में मुझे भी सोचना पड़ रहा है, प्रॉब्लम में कुछ चेंज करना पड़ेगा, ये आपको बाद में सॉल्व करना है, यू विल सॉल्व एज योर ओन, आपको देखना है क्या था, आंसर नहीं मालूम, आंसर नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आप ट्राई करो, जितना आप खुद ट्राई करोगे तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये बहुत सिंपल है, टैन इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ, ये इसमें से माइनस पाई बाय टू कॉमन ले तो भी चलेगा, तो एक काम करेंगे, ये जो कॉस इनवर्स है ना माइनस टू बाय सेवन, तो इसको ऐसे लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ टू बाय सेवन, डू यू रिमेम्बर इट, प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन थी है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स टू बाय सेवन हुआ, तो ये हुआ टेंजेंट ऑफ, ये भी बहुत सिंपल हुआ, पाई माइनस पाई बाय टू होता है पाई बाय टू, पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स टू बाय सेवन। अब पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स टू बाय सेवन क्या होता है, आपको और एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू, तो मैंने ये प्रॉपर्टी इधर ऐसे लिख दी, ये हुआ साइन इनवर्स टू बाय सेवन। अब इसको हमें टेंजेंट में कन्वर्ट करना है, तो ये टैन ऑफ टैन इनवर्स ऑफ, ये अपोजिट साइड हुआ या हाइपोटेनस हुआ, टू टू अपॉन टू, किसमें, इसमें भी है, दो जगह टू है,
सेवन स्क्वायर 49 माइनस 4 कितना हुआ 45 यानी रूट 45। तो ये हुआ ऑप्शन ए आंसर ए। यस समझ में आ रहा है आपको सर? ये फोर्थ वाला वापिस बताइए। फोर्थ वाला फिर से देखिए, फोर्थ वाला फिर से बहुत सही क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेंट्रेट ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन ये भी 5 नंबर भी, बाकी पहले क्वेश्चन नहीं ज्यादा इसमें कुछ है। देखो टेंजेंट ऑफ दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ प्लस एक्स। ये पहला फॉर्मूला है निगेटिव के लिए देखो, और ये माइनस पाई बाय टू एज इट इज है। मैं इधर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब हम आगे जाएंगे, पाई माइनस पाई बाय टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स टू बाय सेवन। देख लिया आप लोगों ने? हेलो हेलो यस सर। हाँ अब इसके आगे दो दो मेथड से, कौन से भी मेथड से चलो, टेन पाई बाय टू माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो एक काम करो कॉट ऑफ कॉस इनवर्स टू बाय सेवन। अब समझे आप लोग, ये थीटा रहेगा ना, तो टेन पाई बाय टू माइनस थीटा कॉट थीटा होता। अभी ये कॉट, अभी ये कॉस इनवर्स को कॉट में कन्वर्ट कीजिए, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स पाई माइनस पाई बाय टू कितना होता है आपका, वो जो हो जाएगा। अब कर लो अभी आगे उसको, पाई माइनस पाई बाय टू सेम पाई बाय टू माइनस एंड देन सॉल्व, फिर फॉर्मूला यूज करो एंड सॉल्व करो जो पहले हमने बताया था वो। समझे आप लोग? आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है, फिर से देखो क्या है क्वेश्चन। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई प्लस टैन इनवर्स जेड इज इक्वल्स टू एक्स, देन इट इज आस्क व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देर आर फोर ऑप्शंस। कुछ आपके पास हिंट है? कुछ हिंट? चलो अब ये ऐड कर सकते हो क्या, x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई प्लस जेड अपॉन अपॉन वन माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इन टू जेड। ये जेड का वैल्यू है टेन एक्स का। चलो इससे आपको कुछ मिलेगा, ये अगर हम करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड इज टेंजेंट x। इसमें कुछ दूसरा नंबर चाहिए तो आपका आंसर आएगा। ये जो x है इसके जगह एक तो वन चाहिए। प्रॉब्लम मुझे देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अलग जीरो होगा, नहीं तो ये तो ये जो सामने जो है वो एक तो जीरो रहेगा नहीं तो पाई रहेगा, तो उसके लिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है, तो आपका आंसर मैच होता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए।
ये सब बहुत पुराने साल के क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन दिए। इसमें पाए सामने पाए, क्वेश्चन में एक चेंज करो, ये पाए लो पाए, हेलो ये पाए लो, अगर ये पाए है तो मिल गया आपका आंसर, कोई बात नहीं है, यू गॉट योर आंसर। देखिए ये हो जाएगा, पहले यूज करो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स ऑफ z इज पाए, ऐसे करो। फिर अभी कल जो किया था वैसे नहीं करेंगे आज, कल हमने tan इनवर्स z को राइट साइड लेके गए थे, आज वैसा नहीं करेंगे, आज x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू है, फिर से यूज करेंगे फॉर्मूला x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई ए प्लस जेड अपॉन वन माइनस ऑफ x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इंटू जेड इज पाई। अब ये राइट साइड जाएगा टेन पाई हो जाएगा, तो यही तो हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वन माइनस एक्स वाई प्लस जेड अपॉन वन माइनस ऑप्शन बी। हाँ यस, एक्स वाई जेड आंसर आता उसका इज इक्वल्स टू टेन पाई, टेन पाई मतलब जीरो। अब टेन पाई मतलब जीरो तो न्यूमरेटर जीरो आएगा, तभी भी डिवीजन में न्यूमरेटर जीरो मतलब ये वैल्यू जीरो, उससे आपका आंसर मिल जाएगा, मतलब एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई प्लस जेड मस्ट बी जीरो। तो इससे आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू एक्स वाई जेड आता, इतना तो लॉजिक हमारा चाहिए। चलो सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कल के क्वेश्चन, चलो आप कितने लोगों को सॉल्व नहीं हुए बताइए मुझे, हेलो। चलो कल के क्वेश्चन के लिए हम बताएंगे आपको कुछ, सबको हो गए सॉल्व, चलो आज आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, अगर आपको सब सॉल्व हो गए तो चलो आप कितने लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सेट ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टू टैन इनवर्स एक्स, दोनों टैन इनवर्स में कन्वर्ट करो, ये टू टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यूज करो, ये साइन इनवर्स से टैन इनवर्स में कैसे लेके जाना है और इक्वेट करो, उससे जो एक्स का वैल्यू आएगा उसका पहला ऑप्शन है 1.1, मतलब ये सेट में आएगा दोनों वैल्यू 1.2 सॉरी, ये है -1.2, ऑल द फोर ऑप्शंस कंटेनिंग सम नंबर -1 + 1 0 एंड ऑप्शन डी हैज 1 1/2, मतलब एक्स के पॉसिबल वैल्यू, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है मिलेंगे, क्यूबिक बनता है तो तीन वैल्यू मिलेंगे। तीसरा प्रॉब्लम नंबर 2 आप लोगों के लिए सॉल्व करने, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हुए हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन -π/4। अभी आपको हम साइन नहीं टेंजेंट, टेंजेंट है उसके लिए साइन इनवर्स की ओर ध्यान दो, साइन इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, ये सही क्वेश्चन है। पाई बाय फोर ऑप्शन बी, -π/4 ऑप्शन सी, π/2 -π/2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सही क्वेश्चन है 3 नंबर। साइन इनवर्स एक्स अपॉन फाइव, देखते हैं आपको आंसर का पता लगना चाहिए, प्लस साइन इनवर्स एक्स बाय फाइव प्लस कोसेक इनवर्स 5/2, कोसेक इनवर्स 5/4 इज इक्वल्स टू 5/2,
ये साइन में कन्वर्ट करो, 4/5 होगा, ये कॉस में कन्वर्ट करो, आपको मिल जाएगा एक्स का वैल्यू, एक्स इक्वल टू व्हाट, एक्स का वैल्यू 4 आता है या 3 आता है देख लो, एक्स का वैल्यू 3, 4, 5, 1, 3 या 4 ऑप्शन रहेगा देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, कोटेंजेंट ऑफ, बहुत सही क्वेश्चन है, कॉट ऑफ कोसेक इनवर्स 5/3 प्लस टैन इनवर्स 2/3। एक काम करो, इसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट करो, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला करो, टैन इनवर्स में कॉट इनवर्स में करो, काटा काटी कर दो और आंसर निकाल दो। और आपके ऑप्शन है ए 6/17, 3/17, 4/17 एंड 5/17, डिनोमिनेटर 17 है, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और पहले 5, 10। और एक क्वेश्चन, कॉट इनवर्स, देखो बहुत सही क्वेश्चन है, 2 प्लस कॉट इनवर्स 8 देख लो, प्लस 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 कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18, देखो 2 में 6 ऐड किया, 8 में 10 ऐड किए, अप टू बहुत आगे इंफिनिटी मतलब इनफाइनाइट टर्म, you are getting the value pi by lambda, then what is the value of lambda? Bahut sahi question hai 5 number ka, cot inverse 2, cot inverse 8, cot inverse 18, dekho 2 mein 6 add kiye, 6 mein abhi 8 mein 10 add kiye, dekho ye aise raftaar se aage jayega, 2, 8, 18 and so on अप टू इंफिनिटी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा, वो आईआईटी का क्वेश्चन है 5 नंबर वाला। इसमें से कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया बताइए मुझे, विच क्वेश्चन यू कैन सॉल्व बोलिए। हेलो,
पहला क्वेश्चन बताइए क्या है आपका आंसर है, व्हाट इज योर आंसर? अरे बहुत सिंपल है, राइट साइड करो टू टैन इनवर्स एक्स, लेफ्ट साइड साइन इनवर्स एक्स को टैन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करो, देख लीजिए आपका आंसर क्या है। अरे साइन इनवर्स एक्स होगा, एक्स मतलब एक्स अपॉन वन, अपोजिट साइड एक्स, हाइपोटेनस वन लेफ्ट साइड में, तो आपका एडजेसेंट साइड होगा रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट साइड में टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बताइए क्या आंसर है उसका। हेलो, अच्छा तीन नंबर का बताइए, कोसेक इनवर्स फाइव बाय फोर को हम लोग साइन इनवर्स फोर बाय फाइव लिख सकते हो, बहुत सिंपल है डायरेक्ट, ये थ्री फोर फाइव वाला ट्रिपलेट है, उसका आप कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करो थ्री बाय फोर बाय फाइव वाला, और कॉस इनवर्स में वो थ्री बाय फाइव होगा, तो एक्स का वैल्यू थ्री आपका आंसर है तीन नंबर का क्वेश्चन। दो नंबर में देखिए, टेंजेंट माइनस फाइव बाय फोर कौन से क्वाड्रेंट में आया, इसका आंसर माइनस आ सकता है, देख लीजिए प्लस भी हो सकता है। एक भी नहीं आ रहा, चलो हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अच्छा चार नंबर देखिए, जो सिंपल है वो तो सॉल्व करें, पांच नंबर तो आप कभी भी